एक साल के लिए भारत को G20 का अध्यक्ष मिला है। दरअसल भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर की 100 ऐतिहासिक और राष्ट्रीय इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों और G20 के लोगों के साथ जगमगा दिया गया है। इन सभी धरोहरों में उत्तराखंड से इकलौता जागेश्वर मंदिर समूह को भी शामिल किया गया है। बता दें कि दिल्ली से पहुंची टीम ने बीती शाम को जागेश्वर मंदिर को सतरंगी लाइटों से सराबोर कर दिया। साथ ही इस मंदिर समूह में G20 का डिजिटल लोगो भी लगाया गया है। ये इमारतें अगले एक हफ्ते तक सतरंगी लाइटों के साथ चमकेंगी। इसके लिए यहाँ के पुजारियों ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। G20 की अध्यक्षता मिलने पर मैं भारत सरकार का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इससे जो 100 प्रसिद्ध इमारतों को दान के लिए कार्य किया गया है, उसके लिए भारत सरकार का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्रीय जो अभी ब्राह्मणों के उस पर जो हर्षोल्लास का कारण है और यहाँ पर पर्यटन की स्थिति जो दिनों दिन बढ़ती रहती है, उसके लिए पुनः भारत सरकार का आज विशेष हर्ष का विषय है कि भारत सरकार द्वारा भारत सरकार को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला। इस अवसर में भारत सरकार द्वारा भारत में समस्त 100 ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र और पर्यटक क्षेत्र चुने गए, जिनमें एक आध्यात्मिक क्षेत्र जागेश्वर धाम है। तो हम जागेश्वर धाम के पुजारी होने के नाते हमारे लिए और हमारे पुजारी समुदाय के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बाबा श्री जागेश्वर जी की विशेष कृपा प्रधानमंत्री नरेंद्र। बता दें कि भारत को G20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है। इस खुशी में सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश की 100 प्रमुख शहरों को अगले 7 दिनों तक रंग बिरंगी लाइटों से सजाने का फैसला लिया है। संस्कृति मंत्रालय ने लाइटिंग के लिए उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह को भी देश की 100 धरोहरों में शामिल किया है। जागेश्वर मंदिर समूह को एक हफ्ते तक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। साथ ही मंदिर समूह में G20 का डिजिटल लोगो को भी लगाया गया है। इससे मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।